नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टंप लाइन पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वुमेंस वर्सेस इंडिया वुमेन। तो इनके बीच में आज T20 की मैच होने वाली है। तो साउथ अफ्रीका इंडिया के टूर पर आ चुका है और ये जो ये मैच होने वाली है, पहली मैच है जो कि चेन्नई के ग्राउंड पर आज 5 जुलाई 2024 को रात को 7 बजे खेली जाने वाली है। तो इस मैच का हम ग्रैंड लीग का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो जिस मैदान पर यह मैच होने वाली है उस मैदान का हम पिच रिपोर्ट देखेंगे। उस मैदान पर अब तक जो वुमन के T20 मैचेस हो चुके हैं तो किस तरह से गए हैं वो देखेंगे। उसके अलावा बल्लेबाजों का किस तरह से प्रदर्शन रहा है इस ग्राउंड पर वो देखेंगे। गेंदबाजों का किस तरह से रहा है वो देखेंगे। स्पिनर को विकेट है या नहीं, फास्टर को विकेट मिलते हैं या नहीं वो देखेंगे। उसके अलावा मैं आपको दोनों भी टीम के तरफ से बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, कौन कौन कितने ओवर डालेगा वो भी बताऊंगा, और 2 से 3 ग्रैंड लीग की टीम भी बनाकर दिखाऊंगा। और आपको ग्रैंड लीग की टीम बनाते वक्त आपको टिप्स भी बताऊंगा किस तरह से आज के मैच में ग्रैंड लीग की टीम बनानी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस ग्राउंड पर यह मैच होने वाली है उस ग्राउंड का नाम है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। तो ये इस ग्राउंड पर ये मैच होने वाली है। और ये जो ग्राउंड है यहाँ पर जो पिच है तो ये स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है। यहाँ पर इस पिच पर स्पिनर ज़्यादा चलते हैं और जो फास्टर है ये जो पिच है ब्लैक स्टाइल वाली पिच है। और यहाँ पे जो फास्ट बॉलर होता है उनको तो स्विंग कम मिलता है, लेकिन इनको फास्ट बॉलर को बाउंस भी यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर फास्ट बॉलर को बाउंस मिलता है लेकिन स्विंग नहीं मिलती है ज़्यादा। तो आज के मैच में आप स्पिनर और फास्टर दोनों को भी रखते हो, दोनों भी चलते हैं इस ग्राउंड पर स्पिनर और फास्टर। तो बल्लेबाजों की अगर बात करें तो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज अच्छा खासा करते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग जो है उसमें उतना कुछ खास करते नहीं है। टीम जल्दी ऑल आउट हो जाती है सेकंड इनिंग में, क्योंकि सेकंड इनिंग में स्पीच स्लो हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इस ग्राउंड पर वुमन T20 इंटरनेशनल के मैचेस गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहे रिसेंट मैचेस 2016 के सभी मैचेस हैं, तो इसको मैंने कवर किया है। तो फर्स्ट इनिंग में अगर बात करें तो जो स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 100 से लेकर 160 के बीच में स्कोर बन रहा है इस ग्राउंड पर। तो वुमन के मैचेस में उतना कुछ हाई स्कोर बनता नहीं है, क्योंकि उतने कुछ दमदार बल्लेबाज नहीं होते वुमन में। ज़्यादातर जो चलते हैं वुमन में वो बॉलर ही ज़्यादा चलते हैं, तो बॉलर और ऑलराउंडर। तो आज के मैच में आप बॉलर और ऑलराउंडर ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पे जो विकेट आपको दिख रही है, तो फर्स्ट इनिंग में जो विकेट गिर रही है वो गिर रही है 3 से लेकर 10 के बीच में। यानी कि फर्स्ट इनिंग में टीम ऑल आउट भी हो रही है, लेकिन सेकेंड इनिंग के मुकाबले फर्स्ट इनिंग में कम विकेट गिर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड इनिंग में जो विकेट गिर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें 10 विकेट गिरे इसमें, इसमें और इसमें, इस मैच में। तो आप देख सकते हैं इसमें सेकंड इनिंग में ज़्यादा 10 विकेट गिर रहे हैं। तो फर्स्ट इनिंग में आप विकेट 3 से लेकर 9 या फिर 10 तक विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर इनके बीच में आप जो भी विकेट एक्सपेक्ट करते हुए अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। लेकिन सेकंड इनिंग की अगर बात करें तो सेकंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं। और सेकंड इनिंग में जो स्कोर आपको दिख रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 के ऊपर यहाँ पर एक भी स्कोर आपको नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर बहुत सारी टीम ऑल आउट भी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते 120 के बीच में स्कोर बन रहा है और ज़्यादा विकेट भी गिर रही हैं। ज़्यादातर मैचेस में इसमें 5 से लेकर 10 तक विकेट गिर रही हैं। तो आप सेकंड इनिंग में कम बल्लेबाज रख सकते हैं और फर्स्ट इनिंग के ज़्यादा गेंदबाज रख सकते हैं, क्योंकि यानी कि सेकंड इनिंग में जो गेंदबाजी डालेंगे तो उनको आप कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि फर्स्ट इनिंग वाले को नहीं बना सकते हो, लेकिन सेकंड इनिंग में ज़्यादा टीम ऑल आउट हो रही है, इसलिए सेकंड इनिंग में जो गेंदबाजी ज़्यादा डालते हैं उन्हें आप कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर किस तरह से मैचेस गए हैं वो बता दिया। चलो अब मैं आपको बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस ग्राउंड पर किस तरह से गया है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राउंड पर अब तक जो वुमन के मैचेस हुए हैं
उसमें आप देख सकते हैं कुछ ऐसे बल्लेबाजी जिन्होंने हाई स्कोर किया। यहाँ पे सी एडवर्ड्स जो आपको दिख रही है, इसने 77 रन हाई स्कोर बनाए है इस ग्राउंड पर। और यहाँ पे मैग लैनिंग, इसने एक मैच खेली इस ग्राउंड पर और 49 रन बनाए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 से लेकर 70 या फिर 80 के बीच में रन बन रहे हैं। तो आज के मैच में कोई भी 40 से लेकर 70 तक कोई ना कोई मार सकता है, चांसेस कम है लेकिन मार सकता है। 50 से ज़्यादा रन इस ग्राउंड पर ज़्यादा बनते नहीं है किसी वुमन के बल्लेबाजों के द्वारा, तो आप उन्हें वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं कि कोई बल्लेबाज आज के मैच में 70 या फिर 80 मार देगा, तो उस हिसाब से आप उसे कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास अच्छे खासे बल्लेबाज है। स्मृति मंदना है और शेफाली वर्मा है जो कि तेज़ी से एक रन बनाते हैं, 70 या 80 रन भी कोई दोनों में से मार सकता है। इसलिए आप उसे उस पर रिस्क लेकर कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप आज के मैच में किसी भी बल्लेबाज को कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, और उसके तरफ से आप 40 से लेकर 70 या फिर 80 रन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और गेंदबाजों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गेंदबाज आपको दिख रहे हैं इस ग्राउंड पर, जो वुमन T20 के जो मैचेस हुए इसमें आप देख सकते हैं स्पिनर और फास्टर दोनों भी चलते हैं। तो यहाँ पे शरभ सोल जो दिख रही है जो कि तेज़ गेंदबाज है, इसने एक मैच में 5 विकेट निकाले। और यहाँ पे आपको अमिनी जो दिख रही है, इसने भी एक मैच में 4 विकेट निकाले, दूसरे मैच में विकेट लेस रही। तो उसी तरह से यहाँ पे सुन्नेलूस, इसने भी 3 विकेट यहाँ पर निकाले हैं। और बाकी के प्लेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेयर हो चुके हैं जो इस ग्राउंड पर 3-3 विकेट निकाले हैं। स्पिनर और फास्टर दोनों भी चलते हैं, स्पिनर को भी 4 विकेट और फास्टर को भी 4 विकेट मिलते हैं, 4 या फिर 5 मिलते हैं, दोनों को भी 3-3, 4-4 या 5-5 विकेट मिलते हैं। तो इसलिए आज के मैच में आप किसी गेंदबाज को कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमिनी ने यहाँ पर विकेट निकाले, स्पिनर है एन अख्तर, ये भी स्पिनर है, मार्श भी स्पिनर है, और यहाँ पे निदादार भी स्पिनर है, और यहाँ पे मोहम्मद ये भी एक स्पिनर है। तो यहाँ पर इनको भी स्पिनर को यहाँ पर 3-3, 4-4 विकेट मिलते हैं। इसलिए आप स्पिनर को कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन आज के मैच में ज़रूर ट्राई करना, चाहे आप फास्टर को बनाना चाहते हो तो बनाओ, स्पिनर को बनाना चाहते हो तो बनाओ, लेकिन आज के मैच में कोई ना कोई गेंदबाज को आप कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बनाओ या फिर ऑलराउंडर को बनाओ। आज के मैच में कोई ना कोई कैप्टन जो बनेगा वो कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बनेगा, तो वो बॉलर या फिर ऑलराउंडर में से कोई ना कोई आज ज़रूर बनेगा। इसलिए आज आपको किसी बॉलर को कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया किस तरह से मैचेस यहाँ पर जाते हैं, किस तरह से प्रदर्शन बल्लेबाजों का और गेंदबाजों का रहता है वो बता दिया। चलो अब मैं आपको दोनों भी टीम की तरफ से बैटिंग ऑर्डर बता देता हूँ, कौन कितने ओवर डालेगा वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका के टीम के तरफ से जो T20 में बैटिंग ऑर्डर है तो ये वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग करने लाउरा वोलवार्ड, ये ओपनिंग करती है बोस के साथ, या फिर बोस जो दिख रहा है ये कभी ओपनिंग करती है कभी तीसरे पे आती है। तो यहाँ पे ब्रिट जो दिख रही है ये सेकंड नंबर पे आती है। बोस की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले नंबर पे कभी आती है, कभी तीसरे पे, कभी पांचवे में आती है, यानी कि इसका कोई बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है। लेकिन ये जो वोलवार्ड जो आपको दिख रही है और ये ब्रिट जो दिख रही है कन्फर्म ओपनिंग करेगी। और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर मर्जन कप आती है तीसरे नंबर पे, और यहाँ पे डेरिक्सन ये तीसरे नंबर पे आती है। तो मर्जन कप इसका कोई बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है क्योंकि ये अभी आती है तीसरे नंबर पे, कभी आती है पांचवे नंबर पे। उसी तरह से डेरिक्सन जो है इसका भी कंफर्म नहीं है, कभी आती है तीसरे नंबर पे, तो कभी आ जाती है यहाँ पे सातवें नंबर पे, तो इसका कंफर्म नहीं। उसके अलावा सुनेल उसकी अगर बात करें तो इसका भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चार या पाँच नंबर पे आज ज़रूर आएंगे। और यहाँ पे क्लोई ट्रायोन जो दिख रही है इसका भी कोई बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, कभी पाँचवें पे, कभी छठवें पे आती है, लेकिन इन दोनों में से किसी भी एक
बैटिंग ऑर्डर पे ये आज ज़रूर आएंगी। और सातवें नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडी क्लर्क जो आपको दिख रही है, इसका कोई बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है। कभी छठवें में आती है, कभी सातवें में आ जाती है, और कभी आती है चौथे नंबर पे। और बाकी प्लेयर का आप देख सकते हैं, ये जो जापता है ये आठवें नंबर पे आती है, और ये जो एमडी रीडर जो कीपर है विकेट कीपर, ये आती है आठवें नंबर पे। और ये जो नवे नंबर से लेकर ग्यारहवें नंबर तक जो दिख रहा है, ये सभी गेंदबाज हैं। इनका बैटिंग ऑर्डर आप देख सकते हैं कौन कितने नंबर पे आती है। तो इनमें से मेन गेंदबाज कौन कौन से है जो चार ओवर डालेंगे, और कौन कौन से ऐसे पार्ट टाइम गेंदबाज है जो चार ओवर डाल सकते हैं या फिर एक से लेकर तीन ओवर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेन गेंदबाज की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो नौ नंबर से लेकर ग्यारह नंबर जो भी प्लेयर दिख रहे हैं, ये सभी के सभी मेन गेंदबाज है, चार ओवर डाल सकते हैं। यहाँ पर मलाबा हो गया, और यहाँ पे क्लास हो गया, और यहाँ पे सेकू खुने हो गया, और यहाँ पे खाका। तो ये कुछ गेंदबाज है जो मेन गेंदबाज है, एक से लेकर चार ओवर डाल सकते हैं, चार ओवर डालने के इनके चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पे कुछ ऑलराउंडर भी है जो चार ओवर डालते हैं। तो ऑलराउंडर यहाँ पे सुने लूस है, एंडी क्लर्क है, और मरिजन कप है, इनके भी चार ओवर डालने के चांसेस है। और यहाँ पे क्लोई ट्रायन जो दिख रहा है, ये इसके भी चार ओवर डालने के चांसेस हैं। तो ये कुछ ऑलराउंडर है जो कंफर्म गेंदबाजी डालेंगे, और जो पहले बताया मेन गेंदबाज वो भी कंफर्म गेंदबाजी डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर है जो एक से लेकर तीन ओवर डालेंगे गेंदबाज, तो वो है यहाँ पे मार्क्स, ये जो आपको दिख रही है ये एक से लेकर तीन ओवर डालेंगे। और यहाँ पे जो आपको डेरिक्सन दिख रहा है, ये भी राइट आर्म मीडियम तेज गेंदबाज है, तो ये एक से लेकर तीन ओवर डाल सकती है। तो ये कुछ गेंदबाज है जो मैंने आपको बता दिया कौन कितने ओवर डालेगा। तो इनमें से जिसकी पिटाई होगी मेन गेंदबाजों में, उसको चार ओवर नहीं मिलेंगे। जो अच्छे इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करेंगे उसको चार ओवर मिलने के चांसेस है। तो आप इनमें से कोई भी प्लेयर को अपने टीम में रख सकते हो और उनके तरफ से विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कौन गेंदबाज है। चलो अब मैं आपको इंडिया की तरफ से भी बैटिंग ऑर्डर और गेंदबाज बता देता हूँ कौन कितने नंबर पे आता है और कौन कितने ओवर डालता है। तो ओपनिंग करने आएंगी मंदना के साथ शेफाली वर्मा, इनमें से कोई एक नहीं खेलता है तो उमा छेत्री के साथ कोई एक इन दोनों में से ओपनिंग करेगा। तीसरे नंबर पर हेमलता आएंगी या फिर रोड्रिक्स आएंगे। तो हेमलता का कोई बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म नहीं है, कभी आती है तीसरे नंबर पे तो कभी आ जाती है यहाँ पे छठवें नंबर पे। और यहाँ पे रोड्रिक्स ये तीसरे नंबर पे आएंगी अगर खेलती है तो। चौथे नंबर पे हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा आएंगी। तो हरमनप्रीत कौर का भी कोई बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, कभी आती है चौथे पे, कभी आती है पाँचवें पे। दीप्ति शर्मा का कन्फर्म नहीं है, कभी आती है चौथे पे, कभी पाँच, कभी छठवें में आती है, कभी सातवें में आती है, कभी आठवें में आती है। उसी तरह से ऋचा घोष की अगर बात करें तो ये इसका भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर पाँचवें नंबर पे आती है, कभी छठवें नंबर पे भी आ जाती है। और यहाँ पे संजना जो आपको दिख रही है आती है छठवें नंबर पर। और यहाँ पर छठवें नंबर की और बात अगर करें तो यहाँ पर अमनजोत कौर आती है, इसका कन्फर्म नहीं है, कभी आती है छठवें नंबर पे, कभी आती है सातवें नंबर पे, कभी आती है आठवें नंबर पे। और यहाँ पर सातवें नंबर की अगर बात करें तो वस्त्राकार, ये आती है सातवें नंबर पे, तो इसका भी कन्फर्म नहीं है, ये कभी सातवें पे आती है, कभी आठवें में आ जाती है। और यहाँ पे बाकी प्लेयर का आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन से गेंदबाज कौन कौन से नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। तो यहाँ पर जो मेन गेंदबाजों की अगर बात करें तो यहाँ पर मेन गेंदबाज कुछ है जो चार ओवर डालेंगे, और कुछ इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे पार्ट टाइम गेंदबाज भी है जो चार ओवर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेन गेंदबाजों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपको दिख रही है नौ नंबर से लेकर ग्यारह नंबर तक जो भी प्लेयर दिख रहे हैं, यहाँ पे शोभना आशा, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, रेणुका सिंह ठाकुर, और साइका इशाक, शबनम शकील और राधा यादव। तो ये कुछ गेंदबाजी जो चार ओवर डालेंगे, तो ये कंफर्म गेंदबाजी डालेंगे आज के मैच में।
लेकिन 4 ओवर कंफर्म डालेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर इनमें से किसी की पिटाई होती है तो उसको 1 से लेकर 3 ओवर मिल सकते हैं, और जो अच्छे इकोनॉमी के साथ ये मेन गेंदबाजी डालेंगे तो उसको 4 ओवर मिलेंगे। इनमें से ये सभी के सभी तो आज नहीं खेलेंगे, इनमें से कोई ना कोई ज़रूर ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर अगर ऑलराउंडर की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे ऑलराउंडर है जो 4 ओवर डाल सकते हैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे दीप्ति शर्मा 4 ओवर डाल सकती है, ऑलराउंडर है। वस्त्राकार ये 4 ओवर डाल सकती है, ऑलराउंडर है। और यहाँ पे और अगर गेंदबाजों की अगर बात करें तो हरमनप्रीत ये गेंदबाजी तो नहीं करती है लेकिन 4 ओवर डाल सकती है, इसको गेंदबाजी मिलने के चांसेस कम है। और यहाँ पे जो श्रेयंका पाटिल जो दिख रही है, ये वैसे तो ये ऑलराउंडर नहीं है, गेंदबाज है, तो ये मेन गेंदबाज है, 4 ओवर डाली गई है। और यहाँ पे जो यहाँ पर अरुंधति रेड्डी जो है, इसको 4 ओवर मिलने के चांसेस कम है लेकिन 1 ओवर कंफर्म डालेंगे, मैक्सिमम 3 या फिर 4 डाल सकती है। उसके अलावा अमनजोत कौर की अगर बात करें तो इसको भी कभी गेंदबाजी मिलती है कभी नहीं भी मिलती, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गेंदबाजी डालेगी या नहीं डालेंगी। अगर डालती है तो 1 से लेकर 2 या फिर 3 ओवर डाल सकती है। उसके अलावा सजना जो आपको दिख रही है, इसको भी कई कोई कंफर्म नहीं है कि गेंदबाजी मिलेगी या नहीं, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, 1 से लेकर 3 ओवर डाल सकती है। और यहाँ पे रोड्रिक्स, इसको गेंदबाजी मिलने के चांस बहुत ही कम है लेकिन अगर मेन गेंदबाजों की पिटाई होती है तो 1 से लेकर 2 ओवर डाल सकती है। तो उसके अलावा और अगर बात करें तो यहाँ पर हेमलता भी है लेकिन इसको गेंदबाजी मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पर कुछ गेंदबाज जो है वो सब बता दिया, बैटिंग ऑर्डर बता दिया। चलो अब मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम बनाकर दिखाता हूँ किस तरह से आज के मैच में ग्रैंड लीग की टीम बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के मैच में कितने हाई सिलेक्शन प्लेयर है वो सभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो हाई सिलेक्शन मैं किसे बोलता हूँ, जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के ऊपर होता है उन सभी को मैं हाई सिलेक्शन बोलता हूँ, और जिनका 50 के अंदर होता है उन सभी को मैं लो सिलेक्शन या फिर ट्रम्प प्लेयर बोलता हूँ। तो आज के मैच में कितने हाई सिलेक्शन प्लेयर है चलो चेक करते हैं। यहाँ पर ऋचा घोष 50 के ऊपर है, वालवार्ड है, और यहाँ पर मंदना 50 के ऊपर, कोर पर 50 के ऊपर, वर्मा 50 के ऊपर है। उसके अलावा ऑलराउंडर में अगर बात करें तो यहाँ पे मरिजन कप 50 के ऊपर है, दीप्ति शर्मा है, एंडी क्लर्क है, उसके अलावा 50 के ऊपर। बॉलिंग सेक्शन में अगर बात करें तो यहाँ पे रेणुका सिंह ठाकुर है, और यहाँ पे शोभन आशा है। उसके अलावा 50 के ऊपर की अगर बात करें तो श्रेयंका पाटिल। उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन हाई है, तो ये सभी वो प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन आज के मैच में हाई है। तो लोग क्या करेंगे, इन्हीं प्लेयर को ज़्यादातर लेकर जाना चाहेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इनमें से कोई कितना भी अच्छा बॉलर या फिर बैट्समैन क्यों ना हो, आप उनमें से किसी ना किसी को ड्रॉप कर सकते हैं। ये सभी के सभी तो नहीं चलने वाले हैं, इनमें से आप मैक्सिमम ले सकते हो 9 ले सकते हो और मिनिमम ले सकते हैं, उनमें से 4 तो कंफर्म आपको लेना ही लेना है। 4 से लेकर 9 के बीच में आप जितने भी इनमें से लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और ट्रम्प प्लेयर की अगर बात करें यानी कि 50 के अंदर वाले प्लेयर की, तो आपको आज के मैच में रखना है 2 से लेकर 7 के बीच में, तो 2 रखो या फिर 7 रखो। इनमें से 2 तो कन्फर्म ट्रम्प आएंगे, तो 50 के अंदर वाले आज आपको बॉलिंग में ज़रूर रखना है। बॉलिंग में हर मैच में ट्रम्प आते हैं, तो ट्रंप आपको आज 2 से लेकर 7 के बीच में रखना है। तो ट्रंप 2 से कम तो बिल्कुल मत रखना, 2 रखना या फिर उससे ज़्यादा ही रखना, मैक्सिमम 7 तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपको कितने हाई सिलेक्शन और कितने ट्रंप लेना है प्लेयर। तो चलिए अब मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम भी बनाकर दिखाता हूँ किस तरह से ग्रैंड लीग की टीम बनानी है आज के मैच में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इन सभी को मैं रिमूव कर देता हूँ और आपको मैं ग्रैंड लीग की टीम बनाकर दिखाता हूँ। तो मैंने आपको टिप्स बता दिया किस तरह से प्लेयर का सिलेक्शन करना है, कितने ट्रंप लेने हैं, कितने हाई सिलेक्शन प्लेयर लेने हैं। तो आपको दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाना है, ट्रंप प्लेयर और हाई सिलेक्शन दोनों को मिलाकर बनाना है। ऐसा मत करना कि सभी के सभी ट्रंप ले लो
या फिर सभी के सभी यहाँ सिलेक्शन ले लो। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस कम है। आप ट्रंप प्लेयर यानी कि 50 के अंदर वाले प्लेयर के साथ 50 के ऊपर वाले प्लेयर लेते हैं तो आपकी ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आपको मैंने बता दिया कि 2 से लेकर 7 के बीच में आज के मैच में ट्रंप लेना है, तो आप 2 भी ले सकते, 3 भी ले सकते, 4, 5, 6, 7 ले सकते हो। आपके मर्जी के हिसाब से आपको जितने लेना है ले सकते हैं, लेकिन 2 से ऊपर या फिर 2 मिनिमम ट्रंप आप आज के मैच में आपको डालना ही डालना है। तो यहाँ पर चलो मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम बना कर दिखाता हूँ। तो इसमें मैं आपको एक टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बॉलिंग सेक्शन में हर मैच में ट्रंप प्लेयर आते हैं, इसलिए आज के मैच में आपको बॉलिंग सेक्शन में ट्रंप ज़रूर डालना है। तो आज के मैच में स्पिनर और फास्टर दोनों को भी 3-3 विकेट मिलते हैं, स्पिनर को 4-4, फास्टर को भी 4-4, 5-5 विकेट मिलते हैं, इसलिए उनको भी आज के मैच में आपको लेना है, चाहे लोग उसको लेकर जा रहे हो या नहीं रह रहे हो, उसको आप रख सकते हो आज के मैच में स्पिनर या फिर फास्टर। तो यहाँ पर कुछ स्पिनर और फास्टर को मैं ले लेता हूँ जो ट्रंप प्लेयर है, जिनके जो चलेंगे तो हमारा काम बन सकता है। तो यहाँ पे एक साइका इशाक को लेता हूँ, राधा यादव को लेता हूँ, उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से स्पिनर की अगर बात करें तो यहाँ पर स्पिनर है मलापा है, और यहाँ पे ट्रायोन है, इसको मैंने ले लिया, और डेरिक्सन भी, ये आप यहाँ पे देख सकते कौन स्पिनर है कौन नहीं है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मैंने दोनों भी टीम के आपको बता दिया था। तो यहाँ पे एम क्लास फास्टर है मलापा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, उसके अलावा डेरिक्सन राइट आर्म मीडियम तेज गेंदबाज है, ई मार्क्स ये राइट आर्म तेज गेंदबाज है, एंडी क्लर्क ये भी राइट आर्म तेज गेंदबाज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन फास्टर है, कौन स्पिनर है, कौन किस टाइप का बॉलर है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों के भी मैंने यहाँ पर लिख के रख दिया है। तो यहाँ पर कुछ मैंने स्पिनर और फास्टर को ले लिया है, चलो अब मैं सभी स्पिनर को लिया है, तो इसमें मैं फास्टर भी डालूँगा। तो फास्टर में डालूंगा यहाँ से रेणुका सिंह ठाकुर को डाल दिया जो कि हाई सिलेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे मैं डालता हूँ मरीजन कप को डालता हूँ, एंडी क्लर्क को डालता हूँ, उसके बाद तीन और मुझे प्लेयर डालने हैं। तो यहाँ पे मैं इंडिया के कुछ डाल देता हूँ प्लेयर, तो यहाँ से मैं डालता हूँ शफाली वर्मा, मंदना दोनों को डाल दिया, उसके बाद मैं रोड्रिक्स को डाल दिया, तो ये ट्रंप है। तो यहाँ पर मैंने ट्रंप प्लेयर और आई सिलेक्शन प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन बनाकर यहाँ पर टीम बना दिया है। तो यहाँ पर मैं कैप्टन बनाऊँगा ट्रायोन को कैप्टन बनाता हूँ, और वाइस बनाता हूँ मैं, चलो यहाँ पे मैं एक प्लेयर को ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ से मैं मंदना को ड्रॉप करके वोलवार्ट को डाल दिया, और यहाँ पे मैं मलापा को ड्रॉप करता हूँ, और उसके जगह पे मैं यहाँ पे लूस को लेता हूँ, सुने लूस इसमें उसका नाम, यहाँ पे ये गेंदबाजी डालेंगी, और ये मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भी है। तो यहाँ पर चलो इसमें और कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, यहाँ से मैं चलो यही रख लेते हैं। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है जो कि यूनिक है। तो इसमें मैं कैप्टन बनाऊंगा राधा यादव को कैप्टन, और वाइस बनाता हूँ मैं क्लोई ट्रायोन को। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है जो कि एकदम रिस्की टीम है। तो आप इस टीम के साथ नहीं जाना चाहते तो मत जाइए, मैं ये नहीं बोलता कि इसी टीम के साथ आप ग्रैंड लीग जीतेंगे, ऐसा नहीं बोलता हूँ, आप अपने पसंद की टीम बना सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्की टीम मैंने बना दी है। तो यहाँ पर आज के मैच में स्पिनर और फास्टर दोनों भी चलते हैं, तो दोनों को स्पिनर को मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दिया। तो यहाँ पर ज़्यादा
आज के मैच में कोई ना कोई बल्ले सॉरी गेंदबाज आज कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बनने ही वाला है। इसलिए आज के मैच में आपको स्पिनर या फिर फास्टर को आज के मैच में कोई भी गेंदबाज को या फिर ऑलराउंडर को आप कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन आज ज़रूर ट्राई करना। तो ये एक टीम हो गई। चलो और एक मैं आपको टीम बनाकर दिखाता हूँ। इसमें मैं आपको अलग टिप्स बताऊँगा, तो इसमें ऐसी टिप्स बताऊँगा जो आपको ज़रूर काम में आएगी। तो इसमें कुछ ऐसे प्लेयर है जिनको कोई लेकर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके चलने के चांसेस है आज के मैच में, तो आपको वैसे प्लेयर ज़रूर लेना है। तो चलिए कौन कौन से ऐसे प्लेयर है जिनको लोग लेकर नहीं जाना चाहते लेकिन आज के मैच में वो आने वाला है ड्रीम टीम में, वो बताते हैं। तो यहाँ पे है, चलो लूस इसको कोई लेना नहीं चाहता, ये भी बोस्ट इसको भी नहीं लेना चाहता, ब्रिट्स को भी नहीं लेना चाहता, हेमलता हो गया, उसके बाद रोड्रिक्स हो गया और सजना हो गया। उसके बाद यहाँ पे और बात करें तो ऑलराउंडर में यहाँ पे ट्रायोन हो गया, डेरिकसन हो गया, अमनजोत कौर हो गया। तो यहाँ पर 11 ऐसे प्लेयर हो चुके हैं जिनको लोग लेकर नहीं जाना चाहते। इसके अलावा और भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वस्त्रकार है, और अगर बात करें तो कीपर में भी आपको जो जाप्ता और एमडी रीडर दिख रहा है और छेत्री दिख रहा है, उमा छेत्री। तो ये भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको लोग लेकर नहीं जाना चाहते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि इनको ड्राप ही करना है, इनमें से कोई ना कोई आज आपको ज़रूर लेना है। तो इसको मैंने ले लिया, तो इनमें से आज के मैच में कोई ना कोई आज ज़रूर ड्रीम टीम में आने वाला है। तो इनमें से मिनिमम आ सकता है एक तो कन्फर्म आएगा, कन्फर्म मेरे तरफ से लिख के रख लो, एक तो कन्फर्म आएगा आज के मैच में इनमें से, और मैक्सिमम आ सकते हैं चार या फिर पांच आ सकते हैं। तो एक से लेकर चार या पांच के बीच में आपको जितने भी लेना है इनमें से ले सकते हैं। तो चलिए इनमें से कुछ प्लेयर मैं लेकर आपको ग्रैंड लीग की टीम बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं लूस और बोस्ट दोनों को ले लेता हूँ, उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ से चलो लूस बोस और ब्रिज, तीनों को तो नहीं लूँगा, चलो तीनों को ही ले लेता हूँ। लूस गेंदबाजी भी करेंगे, और यहाँ से मैं रोड्रिक्स को लेता हूँ, तो बाकी के प्लेयर को मैं ड्राप कर देता हूँ। जाप्ता को ड्राप किया, और यहाँ से मैं ड्राप करूँगा हेमलता सुजना, उसके बाद यहाँ से मैं ट्रायन। तो ये चार प्लेयर मैंने ले लिया है, तो इसमें मैं और कुछ प्लेयर डालूँगा। तो ये सभी के सभी ट्रम्प है, चार ट्रम्प प्लेयर, तो इसमें हाई सिलेक्शन भी डालना है मुझे। तो यहाँ से मैं शफाली वर्मा को डाल देता हूँ, उसके बाद बॉलिंग में ट्रम्प डाल देता हूँ। तो यहाँ से मैं हाई सिलेक्शन श्रेयंका को डाल दिया, राधा को डाल दिया, और यहाँ से ई मार्क्स को डाल दिया, उसके बाद ऑलराउंडर में मैं डालूँगा दीप्ति को डालता हूँ, मरीजन, ट्रायन, और एक मुझे डालनी है, तो यहाँ पर ऋषा घोष को डाल दिया। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है जो एकदम यूनिक है। तो इसमें मैं कैप्टन बनाऊंगा श्रेयंका को कैप्टन, और वाइस बनाता हूँ लूस को वाइस बनाता हूँ। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है जो एकदम यूनिक है। तो मैंने आपको बताया था कि एक दो या तीन टीम बनाकर दिखाऊंगा, तो यहाँ पर मैंने दो टीम बनाकर आपको दिखा दिया है। तो ये अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक इस चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। और मैंने दो टीम बनाकर दिखा दिया है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।